हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब ए हमारे पास क्या है कि जो एस एस बॉन्ड है वो प्रेजेंट है इन एच टू एस टू ओ सिक्स। तो सबसे पहले तो हम एच टू एस टू ओ सिक्स का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इट्स लाइक दिस। सो यहाँ पे हमारे पास सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। दे आर सेइंग एस एस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। बी इज इन पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज एच टू एस ओ फाइव। सो एच टू एस ओ फाइव, लेट्स ड्रॉ दिस। पर ऑक्सो लिंकेज है हमारे पास, ओके। सो इसमें क्या रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, प्लस सिक्स होगी। तो देखो अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे माइनस टू प्लस टू, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस टू आ जाएगा। इधर से हमारे पास माइन प्लस वन आएगा, यहाँ पे माइनस वन होगा, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस वन। सो टू टू फोर फाइव सिक्स। सो सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज प्लस सिक्स। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। थर्ड हमें कह रहे हैं कि आयरन पाउडर अलॉन्ग विद Al2O3 एंड K2O3 इज यूज एज कैटलिस्ट इन द प्रेपरेशन ऑफ NH3 बाय हेबर्स प्रोसेस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं कि जो आयरन का पाउडर है वो हमारे पास क्या यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में। सो हमारे पास क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस में N2+3 हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया। सो इस केस में हमारे पास जो कैटलिस्ट है दैट इज आयरन कैटलिस्ट, एंड हमारे पास जो K2O और Al2O3 है, ये एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करते बट दे एक्ट एज अ प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या होता है, जो क्या करता है हमारे पास कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये रिएक्शन हमारे पास 200 to 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, एंड वी हैव 450 to 500 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास आयरन पाउडर Al2O3 और K2O तीनों ही एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ आयरन पाउडर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, Al2O3 एंड K2O तो हमारे पास प्रोमोटर है। सो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गई। एंड द लास्ट इज चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर द प्रेपरेशन ऑफ SO3 बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। सो जब हम क्या करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं SO2 की, सो वी गेट रिएक्शन लाइक दिस प्लस हीट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जो रिएक्शन होती है डेल्टा एच होता है दैट इज नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज नॉट एंडोथर्मिक। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, दिस B2O5। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे थे चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, नो इट इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।